आफ्टर लॉन्ग टर्म दोस्तों वी हैव वन प्लस 10 प्रो। कुछ भी तो फाइनली गाइस वी हैव वन प्लस नॉर्ड 3 सीई लाइट 5G जो कि वन प्लस की तरफ से रियलमी ने कॉपी किया हुआ एक फोन लॉन्च कर दिया है। और साथ ही साथ यहां पे आपको रियलमी 10 प्रो का ये बहुत ही अच्छा सक्सेस देखने मिल जाता है। इस फोन के अंदर क्या कुछ प्रोस एंड कॉन्स है आज की वीडियो हम बात करेंगे। आफ्टर लॉन्ग टर्म इसी फोन का करेंगे हम रिव्यू, जानेंगे क्या कुछ खास इस फोन के अंदर पैक किया है दोस्तों, करेंगे इसी फोन का फुल रिव्यू प्लस अनबॉक्सिंग। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट जंप टू द वीडियो। दोस्तों शुरुआत करते हैं फर्स्ट वीक अनबॉक्सिंग्स। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है वन प्लस नॉर्ड की देखने के लिए। बॉक्स के ऊपर टिपिकल सा वन प्लस बॉक्स मिलता है, साथ ही साथ बॉक्स के अंदर आपको सबसे ऊपर मिल जाता है फोन जिसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस, अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी के साथ कुछ आईडी मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन स्टिकर, 80 वाट का फास्ट चार्जर, टाइप सी टू टाइप सी केबल देखने मिल जाती है। डिजाइन की अगर बात करते हुए चलो तो आपको डिजाइन उतनी कुछ खास नहीं मिलेगी। मुझे पर्सनली फोन का कलर उतना अच्छा नहीं लगा, कुछ लोगों को पसंद आएगा। बाकी फिजिकल ओवरव्यू भी फोन का मुझे अच्छा लगा, फ्लैट एजेस के साथ बॉडी मिल जाती है, कर्वेचर मिल जाता है बैक साइड में देखने के लिए। बाकी कैमरा मॉड्यूल मुझे अच्छा लगा, फोन का इनहैंड फील भी अच्छा है। बाकी दोस्तों फोन का डिजाइन आपको एस सिमिलर मिल जाएगा रियलमी 10 प्रो की तरह देखने के लिए। बाकी मल्टी कलर वेरियंट का सपोर्ट मिल जाता है फोन में, जो कि मेरे ख्याल से ब्लैक कलर मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे पर्सनली फोन का जो ग्लॉसीनेस है वो अच्छा लगा है, बट यहाँ पे आपको ग्लॉसीनेस की वजह से फिंगरप्रिंट मैग्नेट डिजाइन हो जाती है फोन के अंदर, जो कि थोड़ा सा ना ओवर शेडो कर देता है फोन के डिजाइन को और कलर को भी। प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट की बैक के साथ दोस्तों 8.3 mm की थिकनेस के साथ 200 ग्राम के आसपास का फोन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ फोन का लुक मुझे पर्सनली अच्छा लगा, कैमरा मॉड्यूल जो है ना वो अच्छा है और सिमिलर डिजाइन मिलती है, डेट्स व्हाई मैं उतना डिजाइन की तारीफ नहीं करूंगा दोस्तों। IP55 की सर्टिफिकेशन मिल जाती है फोन के अंदर। बाकी फोन का जो फॉर्म फैक्टर और फिजिकल ओवरव्यू मुझे पर्सनली ठीक लगा है, प्लास्टिक के बदले ग्लास होता ज्यादा अच्छा होता। पोर्ट्स एंड बटन की बात करते हुए चलो तो आपको राइट साइड में देखने मिल जाता है पावर ऑन बटन के साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सपोर्ट, लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर के साथ सिम कार्ड ट्रे स्लॉट सपोर्ट, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, जहां पे आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट का सपोर्ट दिया गया या फिर दोनों नैनो सिम कार्ड भी यूज कर सकते हैं आप। स्पीकर ग्रिल मिल जाता है डाउन साइड में जाओ कि बहुत ही ज्यादा लाउड होने के साथ अच्छी क्वालिटी का है। टाइप सी पोर्ट के साथ प्राइमरी माइक्रोफोन और 3.5 mm ईयर फोन जैक भी दिया गया है फोन में, जो कि थोड़ा सा आपको यूनिक दिखाई देगा, थोड़ा सा बाहर आया हुआ दिखाई देगा। और डिस्प्ले की अगर बात करते हुए चलो दोस्तों जब आपको फोन के अंदर 6.72 inches की FHD प्लस एमुलेट डिस्प्ले होती तो बहुत अच्छा होता, बट यहाँ पे IPS LCD डिस्प्ले यूज किया गया है। एंड दोस्तों यहाँ पे वन प्लस क्लेम करता है 120Hz रिफ्रेश रेट, बट जो कि डायनेमिकली चेंज होता रहता है, और साथ ही साथ 680 nits की पीक ब्राइटनेस, बट यहाँ पे आपको जो टिपिकल ब्राइटनेस मिलेगी 550 nits की ही मिलती है। साथ ही साथ हम आपको 680 nits की जो ब्राइटनेस मिलेगी वो HDR के अंदर मिलता है। फोन पे आप 1080 का ही कंटेंट को वॉच कर सकते हैं। बाय द वे दोस्तों फोन में आपको HDR 10 का सपोर्ट नहीं मिलता है, और साथ ही साथ जो रिफ्रेश रेट है दोस्तों वो डायनेमिकली चेंज होता है, LTPO 2.0 का यूज किया गया है, बट यहाँ पे मेरे ख्याल से इसको कस्टमाइज कर दिया गया 120Hz पे तो बहुत ही अच्छा होता, और यहाँ पे आपकी बैटरी भी कंज्यूम होने से बच जाती है इस रिफ्रेश रेट की वजह से। और रियलमी 10 प्रो की कंपैरिजन में दोस्तों इस फोन में बहुत ज्यादा जिटरनेस देखने को मिलता है। बाकी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस फोन का डिसेंट है, बट ब्राइटनेस थोड़ी सी और ज्यादा होती है तो बहुत ही अच्छे कलर्स उभर के आते हैं। अकॉर्डिंग टू प्राइस दोस्तों मुझे फोन की डिस्प्ले उतनी कुछ खास मिलेगी, अगर एमुलेट होता और डॉल्बी विजन का सपोर्ट होता तो ज्यादा मैं खुश होता। 200% तक आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया में उतना मजा नहीं आएगा कंज्यूम करने में। बाकी सेंटर पंचोल कैमरा मिल जाता है रियलमी 10 प्रो की कंपेरिजन में, आपको जो चीन एजेस बेजल्स मिलेंगे वो थोड़े से ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, जो कि मुझे ठीक ही लगा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर एमुलेट डिस्प्ले होती तो थोड़ी सी कम हो सकती थी क्रीज। और साथ ही साथ यहाँ पे व्यूइंग एंगल्स फोन के अच्छे हैं नो डाउट। IQ Z7 की कंपैरिजन में दोस्तों यहाँ पे मुझे फोन का डिस्प्ले उतना कुछ खास नहीं लगा ब्राइटनेस के मामले में, और एमुलेट होता तो ज्यादा अच्छा होता। नेक्स्ट सेंसर एंड कनेक्टिविटी की बात करते हुए चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको सारे सेंसर मिल जाते हैं, हैप्टिक्स ओ हैप्टिक्स का यूज किया गया, जो कि मेरे ख्याल से डिसेंट टाइप की परफॉर्मेंस आपको देगा, और साथ ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आपको एवरेजली बहुत ही अच्छे से वर्क करता हुआ दिखाई देगा, फेस लॉक अच्छे से वर्क करता है। बाकी सारे सेंसर का फीचर मिल जाता है, Wi-Fi 5 के साथ 9 5G के बैंड के साथ ब्लूटूथ 5.1 डुअल 4G वोल्टी कनेक्टिविटी फोन की अच्छी मिल जाती है। कंसिस्टेंट आपको 5G का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। परफॉर्मेंस की अगर बात करते हुए चलो दोस्तों हम आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 695 6nm बेस्ड 5G चिपसेट मिल जाता है, जो कि प्रीवियस जनरेशन में इन्होंने सेम चिपसेट यूज की थी LPDDR4X रैम के साथ और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप के साथ, जो कि मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस नहीं किया, इन्होंने सेम चिपसेट को कॉपी पेस्ट कर दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो इस चिपसेट की परफॉर्मेंस मिलती है वो भी बहुत अच्छी मिल जाती है, 421,000 के आसपास की स्कोर मिल जाते हैं फोन में, और साथ ही साथ गेमिंग के लिए आपको डिसेंट टाइप की गेमिंग आपको निकाल के दे देगा, एवरेज टाइप की बोल रहा दोस्तों। हाई मैक्स और वेरी हाई सेटिंग्स पे जाके आप 60 FPS की गेमिंग कर
कर सकते हैं BGMI के अंदर, ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर भी आप आराम से खेल सकते हैं। 90 FPS की गेमिंग का ऑप्शन है, बट यहाँ पे आपको ना फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई देगा। 50 to 60 FPS की गेमिंग आप फोन के अंदर कर सकते हैं। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस फोन को गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो मैं आपको साफ साफ मना करूंगा, गेमिंग सेंट्रिक फोन आपको पोको X5 Pro इस प्राइस सेगमेंट पे और IQ Z7 बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे कुछ एक्स्ट्रा फीचर के साथ। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फीचर से याद आया, गेमिंग मोड भी आपको इस फोन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, सेम एज रियलमी से कॉपी करके इन्होंने पेस्ट कर दिया OnePlus के ऑक्सीजन OS के अंदर। सॉफ्टवेयर की भी बात कर लेते हैं, जब ऑक्सीजन OS की बात हुई है तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन OS आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है एंड्रॉइड 13 के साथ देखने के लिए। यहाँ पे 2 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट के साथ 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया है ऑक्सीजन OS ने, मतलब OnePlus ने। बट दोस्तों फोन के अंदर आपको एक चीज अच्छी मिल जाती है कि ब्लॉडवेयर्स नहीं मिलते, बट इस प्राइस सेगमेंट में आपको जो एक्स्ट्रा फोन मिलेंगे Redmi Note 12 Pro उसके अंदर आपको बहुत ब्लॉडवेयर्स मिल जाते हैं। इस फोन के अंदर उतना कचरा तो नहीं पैक किया गया है, बट आपको यहाँ पे ना जो आपको ऐप ओपनिंग क्लोजिंग मिलती है UI की वो भी बहुत ही अच्छी मिल जाती है ये मैं बोल सकता हूँ दोस्तों। बट रिफ्रेश रेट पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे उतना स्टेबल नहीं दिखता है। फोन के अंदर आपको थोड़ी सी जिटरनेस दिखाई देगी। फर्स्ट टाइम आप जब फोन को बूट करेंगे दोस्तों आपको कुछ यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन और यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट दिखाई देंगे, बट अपडेट आते ही दोस्तों सारी चीजें यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, सारी चीजों को रिमूव कर देता है यहाँ पे OnePlus। ऐसे सेम कंडीशन मुझे देखने को मिली कैमरा के अंदर, जैसे मैंने फोटोज को क्लिक किया तो हेजलब्लेड की ट्यूनिंग लिख के आ रही थी, बट इस फोन के अंदर आपको हेजलब्लेड का वाटरमार्क नहीं आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ना OnePlus के अपडेट आते ही मैंने यहाँ पे देखा कि सारी चीजों को फिक्स कर दिया गया। बाकी कस्टमाइजेशन के लिए आपको पता है OnePlus बहुत से फीचर प्रोवाइड करने लग गया है, रियलमी वाई से सारी चीजों को कॉपी कर रहा है कलर वेस से, और यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड रैम का फीचर मिल जाता है एंड पार्सल स्क्रीनशॉट के साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि डुअल ऐप और डुअल स्पेस वाले फीचर मिल जाते हैं। और साथ ही साथ आपको ऐप ओपनिंग क्लोजिंग फोन की बहुत ही अच्छी मिल जाती है। एंड गूगल डायलर से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों इन्होंने खुद का इंट्रोड्यूस किया ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर आपको फ्री मिल जाएगा, ओ डायलर, जिसको यूज करके आप इन्हें छुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। डेट मीन्स यहाँ पे आपको टाटा बाय बोल सकते हैं गूगल डायलर को। खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय गया। दोस्तों बात करते हैं फोन के अंदर बैटरी एंड चार्जिंग की, जिससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। 5000 mAh की बैटरी का सपोर्ट मिलता है, 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग फोन सपोर्ट करता है, बट बॉक्स में आपको 80 वॉट की फास्ट चार्जर सपोर्ट मिलता है। नियर अबाउट आपकी बैटरी 0 to 100% फुली चार्ज हो जाती है 40 मिनट्स के अंदर, बैटरी बैकअप फोन का लाजवाब मिल जाता है। आइडल टाइम पे भी आपको 3% का ड्रॉप देखने मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा स्कोर है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको अगर हैवी टास्किंग भी करेंगे फोन के अंदर तो एक दिन बैटरी आराम से जाएगी एक सिंगल चार्ज के अंदर। आपको यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर बैटरी जो बैकअप है ना बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, स्क्रीन में भी आइडल टाइम पे भी आपको बहुत अच्छा बैकअप मिलता है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है फोन में, जो कि मेरे ख्याल से बैटरी के मामले में इस फोन को मैं बोल सकता हूँ बहुत ही अच्छा है 120,000। एट द लास्ट दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं फोन के अंदर कैमरा की, जो कि मेरे ख्याल से 20,000 के प्राइस सेगमेंट पे सूट नहीं करता। 108 megapixel का सैमसंग का HM6 कैमरा है, 2 megapixel डेप्थ सेंसर के साथ, 2 megapixel मैक्रो सेंसर। फ्रंट में आपको 16 megapixel की सेल्फी कैमरा मिलती है, फ्रंट कैमरा आपको डिसेंट मिल जाएगा, बट बैक कैमरा से जो आपको इमेज की डिटेक्शन है ना दोस्तों उतनी अच्छे से नहीं हो पाती, ना ऑब्जेक्ट डिटेक्शन अच्छे से हो पाता है, लाइट अच्छे से मैनेज कर लेता है फोन का कैमरा, बट शेडो को कभी कभार ना ओवर शेडोइंग कर देता है। बाकी फोन का कैमरा मुझे बैक कैमरा डिसेंट लगा है, 2 megapixel मैक्रो और डेप्थ की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। बाकी फोन का जो 108 megapixel का कैमरा और डिसेंट टाइप की इमेज क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ कैमरा उसके अंदर आपको बहुत से फीचर मिल जाते हैं जिनको यूज करके आप अलग अलग कंडीशन में अच्छे अच्छे इमेजेस को क्लिक कर सकते हैं। और बैक कैमरा से आपको 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, और फ्रंट कैमरा से सेम आपको 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। बट फिर भी दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ अच्छे से कैमरा टेस्ट वाली वीडियोस को देख लीजिए, जिनसे आपको पूरा क्लियरिटी मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करूं दोस्तों फोन के अंदर कंक्लूजन की, मेरे पॉइंट्स और रिव्यू की, तो दोस्तों यहाँ पे OnePlus Nord 3 CE जो लाइट 5G फोन है उसकी प्राइस 20,000 है 8GB 128GB वाले वेरिएंट की, और सेकंड वेरिएंट आपको मिलता है 8GB 256GB 22,000 के अंदर। मैंने यहाँ पे आपको पॉजिटिव बता दिया लेफ्ट साइड में और नेगेटिव बता दिया राइट साइड में, जो कि मुझे डिस्प्ले और कैमरा बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट पे लगा। बाकी फोन की सारी चीजें आपको डिसेंट मिल जाती है, नेटवर्क बहुत ही अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी भी फोन की अच्छी है। एट द लास्ट दोस्तों बोलूंगा कि ये फोन Realme 10 Pro का कॉपी है, बट यहाँ पे कुछ चीजें पॉजिटिव भी है और कुछ चीजें नेगेटिव है। डिस्प्ले मुझे सबसे खराब लगा फोन के अंदर, डिस्प्ले के अलावा कैमरा भी डिसेंट है। बाकी फोन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा, अगर आपको फोन अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको फोन खराब लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा कि आपको क्या खराब लगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कुछ कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एट द लास्ट आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टिल देन पीस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।